जिस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने या फिर खेलने में मस्त होते हैं, उस उम्र में सहारनपुर की हर्षिता में एक एप्लीकेशन लॉन्च कर एक नई इबारत लिख दी है। इतना ही नहीं, महज 16 साल की उम्र में सहारनपुर की इस बच्ची ने अपने एप्लीकेशन से बड़ों बड़ों को अपना मुरीद बना दिया है। हर्षिता ने बातचीत की और इस एप्लीकेशन के बारे में बताया। यूँ तो हर बड़ी आईटी कंपनी में भारत के सैकड़ों इंजीनियर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो देश में काम कर सारी दुनिया में छाए हैं, और सहारनपुर की 16 साल की हर्षिता भी उनमें से एक है। हर्षिता अरोड़ा का बनाया आईफोन ऐप सबसे पसंदीदा पैड ऐप्स में से एक बन गया है। ऐप स्टोर पर उपलब्ध हर्षिता का पैड ऐप 1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू में हो रहे हैं बदलाव के बारे में बताता है। यह ऐप हर्षिता ने इसी साल 28 जनवरी को लॉन्च किया था और इतने कम समय में यह हिट हो गया। पेश है सहारनपुर के संवाददाता राहुल पटेल की खास रिपोर्ट। क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस ट्रैक कर सकते हो इन ओवर 30 फियाट करेंसीज एंड फ्रॉम 19 एक्सचेंजेस। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं होल्डिंग्स ऐड करके, एंड देन अलर्ट्स सेट कर सकते हैं टाइम बेस्ड एंड थ्रेशोल्ड बेस्ड अलर्ट्स, एंड विशलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स लाइक प्राइस ग्राफ्स, जिसमें आप हिस्टोरिकल प्राइसेस देख सकते हो सारे डेटा फ्रॉम 1 ईयर, 1 month, 3 months, एंड प्राइस ग्राफ्स हर 5 मिनट्स अपडेट होते हैं। ये एप्लीकेशन जो आपने तैयार किया केवल एप्पल के लिए गया है, जबकि मार्केट में एंड्रॉइड भी है, एंड्रॉइड के लिए क्यों तैयार नहीं किया? Because मुझे Android app development आती नहीं है, so मैंने mostly जब मैंने start करा था 3 years ago technology में mostly अपने learn करा start करा था, तो मैंने iOS app design से start करा था, and around 1 year ago, 1.5 year ago मैंने iOS app development से start करा था, so मैं mostly learn ही iOS software development, mostly it have been about iOS apps, so never really tried out Android or Java as a language. So yeah, Android design is different, Android development is very different, so that's why I never tried it. And I wanted to charge people for Crypto Price Tracker app, and people on Android are very used to just getting apps for free. So many iOS apps, iOS app paid rakhna la, and iOS ecosystem mein log are okay paying for apps. So aapke mann mein kaise vichar aaya ki ye application aap banana chahiye aapko? So when this idea I thought around November end, then I literally heard about cryptocurrencies in my Quora feed, my Facebook, Medium, everywhere. It was literally everywhere, like people were just talking about cryptocurrencies and how, you know, it's the future and all blah blah blah. So I was like, how can I make something that serves a market need in this? So I started researching, I talked to people, and in general, बहुत सारी रिसर्च करी इसके बारे में कि क्या पोटेंशियल मार्केट नीड्स, एंड मेक बेसिक नीड थी कि हाउ टू ट्रैक प्राइसेस एंड यू नो हाउ टू मैनेज पोर्टफोलियो एंड हाउ टू गेट प्राइस अलर्ट्स व्हेन यू नो प्राइस गोज अप, प्राइस गोज डाउन, एंड यू नो देयर्स फ्लक्चुएशंस एंड बेसिकली डेली रिमाइंडर्स ऑफ प्राइसेस, एंड ऑल दीज फीचर्स एंड ऑल दीज रिक्वेस्ट्स केम फ्रॉम पीपल हु वर इन क्रिप्टोकरेंसीज, पीपल माय फ्रेंड्स मोस्टली। उनसे मैंने बात करी कि यू नो कि क्या फीचर्स चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए। सो एक बहुत पॉपुलर ऐप है ड्यूरिंग दैट टाइम, इज स्टिल पॉपुलर, जो कि एप्पल डिजाइन अवार्ड 2016 का, एल्क, जिसका डिज़ाइन है सिंपल टू कॉलम सिस्टम, जिसमें आप लेफ्ट कॉलम में वन टाइप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हो एंड राइट कॉलम में द सेकंड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हो, एंड बेसिकली यू लेट द यूजर कस्टमाइज फ्रॉम द हेडिंग्स ऑफ द कॉलम। सो उससे मैंने डिज़ाइन इंस्पिरेशन ली एंड अपना बेसिक डूडलिंग करना स्टार्ट करा, एंड दिसंबर मंथ में मैंने डिज़ाइन रेडी करा एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करी। अच्छा, तो क्या ये पहला एप्लीकेशन है या इससे पहले भी आपने कोई एप्लीकेशन किया? सो इससे पहले मैंने एक ऐप MIT लॉन्च समर प्रोग्राम पे वर्क करा था, यूनिवर्सिटी ऐप, बट क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर मेरा फर्स्ट ऐप है जिस पर मैंने अकेले काम करा है, बट यूनिवर्सिटी ऐप में मैंने 3 अदर फ्रेंड्स के साथ वर्क करा था एट MIT। ओके, तो यहाँ पे अभी जैसे एप्लीकेशन आपने तैयार किया, तो किस तरह के रिव्यूज किस तरह के आ रहे हैं आपके पास में? पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव। मेरे को यूजुअली 20-30 ईमेल्स आते हैं हैप्पी कस्टमर्स से, समटाइम्स ट्विटर DM एंड समटाइम्स फेसबुक मैसेजेस, पीपल टेलिंग मी कि दे लव द ऐप एंड यू नो दे हैव सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट्स एंड यू नो हाउ दे माइग्रेटेड फ्रॉम ब्लॉकफोलियो और क्रिप्टो फॉर और व्हाटएवर ऐप्स दे वर यूजिंग अर्लियर, कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड यू नो better design hai, better features, and you know they're willing to even pay $10 for the app. One user said that, yeah, I'm even willing to pay $10 for this app. So that was aap un bachchon ke liye kya ek inspiration to hai, lekin un bachchon ke liye kya message denge aap?
to do? Learn to program. Learn to code. That's like the most important skill that you have. Learn to design. I mean, that's optional if you're really interested in, you know, good UI, UX design. First of all, follow me on Medium, or at least read my articles on Medium. I've written about app design, app development in general, product design in general. So read my Medium articles, read my Quora answers about it. So that's where you can, I mean, I'm not promoting myself, but I mean, there's a lot of lessons in there, a lot of resources. So learn to code, build something that people want, people will pay for, and that's how you can get started. So, but the first skill is learn to program, learn to, say, make websites or learn to make apps. Learning to program is going to be an indispensable skill, even if you just eventually want to go and work as a software engineer and you don't want to start startups, but learning to program. अच्छा हर्षिता, एक आखिरी सवाल, आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? Future predict करना hard है, मतलब 3 months ago मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे इतनी सारी media and news होगी। आपका सपना क्या है? I think eventually goal, मतलब इस time में मैं सोचती हूँ कि मेरा goal है कि मैं ऐसे startup पे work करूँ जो long term, जो उसके बाद millions of users and large numbers of revenue, big teams, and you know that kind of stuff. Because when you can build something meaningful, जो आप किसी एक बड़ी market need को address करते हो, that is fascinating and interesting, and that's like the hardest thing I can do, and I like challenges. So I think co-founding a startup that goes on to be really huge, which is why my role models are Patrick and John Collison, and basically everybody at Stripe.